हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जी जान से मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो कुछ गलतियाँ करते हैं। मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊँगा और कुछ मैंने पॉइंट्स बनाई है, उस पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपने किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ कितना बना रखा है। ठीक है स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जब रिवीजन की बारी आती है तो आर फॉर रिवीजन, राइट। रिवीजन की जब बारी आती है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से, और चैप्टर नंबर वन कौन सा है स्टूडेंट, रियल नंबर, राइट, आर फॉर रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो करते क्या है, एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऐसा करना नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप तीन कैटेगरीज क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया, लेवल वन। लेवल वन में किसको रखा है, इजी टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। लेवल टू क्या है, मीडियम टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। लेवल थ्री डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। ये अंडरस्टैंड और सॉल्व मैंने क्यों लिखा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, आपको SST पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जिसको कि आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट स्टूडेंट। तो अंडरस्टैंड इट मीन्स दैट आप कोई टॉपिक को प्रॉपर कैसे समझ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, उस पर बेस्ड है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चंस इतना आसान हो लगे कि आपको कभी भी पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, आप बना सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको रखना है लेवल वन, इट मीन्स दैट ईजी सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, अब लेवल टू में क्या करना है, आपको लेवल टू में मीडियम टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आपको उस ग्रुप में डालना है जिसको कि आप बना तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट क्रिएट हो जा रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर सही पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस सारा सही है, स्टेप्स मैंने सही अप्लाई किया लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट क्या करेंगे, लेवल टू में बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एंड लास्ट है एक स्टूडेंट लेवल थ्री, डेट इज डिफिकल्ट और हार्ड टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको क्या करना है, वैसा सेक्शन जो कि आपको शुरू से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक बार में आपका अटेम्प्ट सही नहीं हो रहा है, आप मैथ्स बना रहे हैं गलत हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम लोग ले ax2 + bx + c = 0, क्या है स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको फाइंड करना हो जीरोज, अगर जीरोज फाइंड करना हो इसको, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लेवल वन में रख सकते हैं, इफ यू हैव टू फाइंड ओनली जीरोज। बट इफ वी हैव टू फाइंड जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, देन स्टूडेंट हम लोग इसको क्या करेंगे, मीडियम टू अंडरस्टैंड वाले ग्रुप में रखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स वाली है, ठीक है स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम वाली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि मेजरली स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, ठीक है, गलती कर बैठते हैं इसकी क्वेश्चंस क्रिएट करने में। ठीक है स्टूडेंट, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप किस में डाल सकते हैं, लेवल थ्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड में। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि उन आपको आपका सबसे
स्ट्रॉन्ग पार्ट और सबसे वीक पोर्शन नजर आने लगेगा कि आखिर मेरा कौन सा सेक्शन इजी है और मेरे लिए कौन सा सेक्शन हार्ड है, यानी कि टफ है, डिफिकल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, आपको इजी सेक्शंस में टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइम कहां दोगे, डिफिकल्ट सेक्शन में। राइट स्टूडेंट, तो लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये हेल्पफुल उनके लिए होगा जो कि अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं। ठीक है, अब उनकी क्या आप कहो, जो कि अगर सपोज एक्सेप्शनल केस में, मुझे पता है कि आप लोग सभी मेहनती हैं, ठीक है, सारे लोग मेहनत करके बैठे हैं, सारे हार्ड वर्कर हैं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई तो किया, ठीक है, पढ़ाई तो किया लेकिन क्या किया, हवाबाजी करने लगे, हवाबाजी इन द सेंस ऑफ कि क्लास अटेंड किया, सारे नोट्स भी बना रखा है लेकिन कभी ध्यान में नहीं रहा। होता क्या है कि आप क्लास जाते हो, क्लास अटेंड करते हो, फिजिकल पार्ट आपका क्लास में मौजूद है लेकिन मेंटल पार्ट सपोज मार्केट में घूमने चला गया या फिर कहीं और भी चला गया, ऐसा ऐसा जगह बता नहीं सकता, आप समझदार हो खुद ही, ठीक है। तो मेंटल पार्ट अगर आपका क्लास में नहीं है तो क्या फायदा, आप सिर्फ आपका फिजिकल पार्ट चल रहा है, आप लिख रहे हो सारा कुछ, नोट्स बना रहे हो, लेकिन जब मेंटल पार्ट नहीं है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में तो घुस नहीं रहा। तो उन लोगों के लिए जरूरत क्या होती है स्टूडेंट, ये जो आपका सेक्शन है इजी एंड मीडियम, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करने में टाइम देना है, ना कि आप डायरेक्ट उतर जाओ डिफिकल्ट में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए उनके लिए जो कि सब कुछ क्लियर कर चुके हों, एकदम अपने आप को डिवोट कर दिए हों पढ़ाई में, स्टडी में, कि मुझे इतना मार्क्स लाना ही लाना है, गेन करना ही करना है, तो स्टूडेंट आप कर सकते हो, नो सर आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, इजी को एक स्किप कर दो, ठीक है, मीडियम से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, मीडियम से आप स्टार्ट कर सकते हो रिविजन के पीरियड में एंड फाइनली डिफिकल्ट में। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो डिफिकल्ट से स्टार्ट करो रिविजन करना, पहले डिफिकल्ट एंड आफ्टर दैट मीडियम एंड फाइनली इजी, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ रहेगा। ठीक है, डिफिकल्ट पहले आप कर लोगे तो क्वेश्चन टफ जो भी रहेंगे आपके सब्जेक्ट्स में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप मीडियम में आओगे तो मीडियम में आपको खुशी महसूस होगी, अरे अटक नहीं रहा, और फाइनली जब लेवल वन में आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा, एकदम ऊपर सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। ठीक है, अब चढ़ने का मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो, वो नहीं कह रहा, ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं मेरा मार्क्स मुझे 88% 99% आना ही आना है और आएगा स्टूडेंट। ठीक है, 88 मैंने मिनिमम कह दिया, आप अगर मैथ्स की बात करूं तो आप मैथ्स में 100% ला सकते हो, नो सके कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब रिवीजन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सारे पॉइंट्स को देख लें कि किस तरीके से मैंने बांटा, आप इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 95% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, और ये सिर्फ मैं मैथ्स की नहीं बात कर रहा, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब सिर्फ रिवीजन एक बार डिसाइड कर लिया कि रिवीजन करना है तो ये नहीं करना है, ठीक उसी तरीके से कि आपने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, मेरे हिसाब से 70% स्टूडेंट करते क्या है, 70% कम है, 90% की बात करूं तो वो अपना टाइम टेबल बना लिए, ठीक है, टाइम टेबल बना जरूर लेते हैं, 1 से 2 दिन तक उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन आप फिर वहीं चले जाते हो जहां से थे जब आपने टाइम टेबल बनाया था। ठीक है, तो इसमें वो चीज नहीं करना, रिवीजन में आपको करना है कोई भी वीक में एक डे डिसाइड कर लो कि उस दिन प्रॉपर आपको उस सब्जेक्ट उस टॉपिक पे रिवीजन करना है। सपोज सबसे अच्छा डे कौन सा होगा स्टूडेंट, संडे, यस फॉर संडे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तो स्कूल में ही रहते हो,
तो आपके पास बचता क्या है? संडे। अभी अभी आप कह देंगे कि सर संडे वीक में तो वन डे आता ही है, छुट्टी रहती ही है, अब उस दिन भी क्या सिर्फ पढ़ाई करते रहें? तो ऐसा है स्टूडेंट कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो, अब आपको जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी आपका होता है, एक्स्ट्रा यूजलेस एक्टिविटी होता है, उसको आपको इग्नोर करना। इसलिए मैंने पॉइंट भी लिखा स्टूडेंट, ट्राई टू इग्नोर एवरी यूजलेस एक्टिविटी। ठीक है, अब ये यूजलेस एक्टिविटी क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वंस इन अ वीक संडे को डिसाइड कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही करना है, और इस दिन क्या करना है आपको वो भी मैं बता देता हूँ। अगर पॉसिबल हो सके, इफ पॉसिबल, तो आपको ये, ठीक है, ये क्या बना दिया सर आपने? ठीक है, तो ये क्या है? सपोज मान लो कि ये पुराने जमाने का एक मोबाइल है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या कर लो, स्विच ऑफ करके रख दो। क्यों? क्योंकि संडे होगा तो सारे दोस्त, सारे फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे कि चलो आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वो आपको नहीं करना है। तो मोबाइल को आप पॉसिबल है तो स्विच ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दोस्त आपसे दूर नहीं चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, आप अपने आप को नजर बंद कर लो। ठीक है, अगर घर की बात करूं, ठीक है, अगर लड़कियां होती है तो उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, मम्मी ने कह दिया कि बेटा जाकर कपड़े धो दो, साफ कर दो, तो क्या करना है? आप उसने बहाना बना लो, ठीक है, कि तबीयत खराब है या कुछ भी, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। ठीक है, और चुपचाप एकदम स्टडी में कॉन्सेंट्रेशन, अपना फोकस डाल दो। ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिवीजन करना है, आपने डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है, उस पर किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस दिन संडे चूज कर लिया हमने, तो अब क्या करना है कि आपने जिस तरीके सब से इसको कैटेगराइज किया कि पहले जो करना है वो कर लूँ, तो आपने आप स्टार्ट करो डिफिकल्ट से, डिफिकल्ट से फिर मीडियम में आना, फिर मीडियम से इजी में आना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक संडे में आप पूरा का पूरा बुक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एबिलिटी है आप में तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं क्या, आप मैक्सिमम 2, 3, 4 इतने चैप्टर्स आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट ले सकते हो रिवीजन में, आप इतना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और थोरोली रिवीजन करते चले जाओ। एक टाइप वन, अगर सपोज एक टाइप्स के 4 questions है तो मैक्सिमम 2 attempt लो, 2 को छोड़ दो। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, ट्राई टू इग्नोर एवरी यूजलेस एक्टिविटी। तो ये यूजलेस एक्टिविटी में फिर वही बात करूंगा, मोबाइल्स को आप दूर कर दो, व्हाट्सएप फेसबुक से दूर हो जाओ। ठीक है, स्पेशली अगर मोबाइल में गेम्स खेलने की आदत है तो उससे भी दूर हो जाओ। हाँ, तो क्या पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए? पागल नहीं होना, ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। अगर आप थक जाओ पढ़ते पढ़ते, आप एक गाना गा सकते हो, गाना गुनगुना लो, गाने सुन लो, लेकिन ये गेम्स नहीं खेलना और ना ही टीवी देखना। हाँ, टीवी देख सकते हो, न्यूज देख लो। ठीक है, न्यूज देख सकते हो, कोई सीरियल कोई मूवी मत देखने लग जाना, क्योंकि ये ऐसे गैजेट्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके स्टडी से। मोबाइल में आपने गेम शुरू कर लिया तो कोई लेवल ऐसा आएगा जो कि आप नहीं कर पार कर पा रहे हैं, तो लगेगा कि नहीं अब इसको पार करना ही है। पता चला स्टूडेंट लेवल पार करने के चक्कर में दिन पार हो गया। ठीक है, इसलिए ये गेम्स नहीं खेलना, टीवी में न्यूज इसलिए देखना क्योंकि न्यूज यूथ्स के लिए क्या होता है, बोरिंग होता है। ठीक है, बोरिंग लगेगा तो आप ज्यादा देखोगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या कि न्यूज देखो, सीरियल देखने लगेंगे, फिल्म देखने लगेंगे तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप उसी में लग जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे दूर रहो। हाँ, अब बताता हूं कि क्या सिर्फ रिवीजन करने का यही तरीका है? नहीं स्टूडेंट, मैंने आपको एक जरिया बताया है
कि रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे कि रिवीजन मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा, या फिर आप जैसा सोचते हो कि रिवीजन आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कुछ भी करो अच्छे से करो। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी काम अगर दिल से करो तो वो जरूर पूरा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको रिवीजन करने का तरीका बताया स्टूडेंट। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप क्या करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को लिंक को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।